तो ऑल राइट गाइस, देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें फर्स्ट सेकंड लेट पास के बारे में बताऊंगा जो अभी रिटर्न में आने वाला है। उसी के साथ अगर तुम ये वीडियो पूरा फुल वॉच करोगे तो तुम लोग को पता भी चल जाएगा कैसे येलो क्रिमिनल एकदम फ्री में मिलेगा तुम सब लोगों को। तो हाँ, ये वीडियो पूरा वॉच करोगे तभी तुम्हें पता चलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब देखो, फ्री फायर में एक न्यू इवेंट आने वाला है अल्टीमेट रिक्रूट नाम का, जिसके अंदर तुम लोग को सारे के सारे एलर्ट पास देखने को मिल जाएंगे, रेयर से रेयर, मतलब हिप हॉप सकुरा भी उसके अंदर मिलेगा। अब देखो, फ्री फायर ने इस सप्ताह काफी सारे रेयर रेयर आइटम दे दिए हैं, जैसे एंजेलिक पैंट, आर्टिक ब्लू बंडल, इसी के साथ MP40। अब देखो यार, इससे पहले फ्री फायर ने ऐसा कभी नहीं किया कि एक ही सप्ताह में इतने बड़े बड़े इवेंट लेके आ गया हो। अब इसके पीछे करने का क्या मतलब है गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ। गाइस, जो फ्री फायर मैक्स है उसको काफी बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि यार देखो, फ्री फायर मैक्स में काफी ज्यादा बजट लगाया था फ्री फायर ने, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब फ्री फायर मैक्स हो चुका है फ्लॉप, जिसके कारण जो फ्री फायर गरीना है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है फ्री फायर मैक्स से। तो फ्री फायर मैक्स का जितना भी नुकसान हुआ है उसको तो अब भरना है ना यार, अब जेब से थोड़ी देगी गरीना। तो उसको रिकवर करने के लिए इन्होंने इस सप्ताह काफी बड़े बड़े इवेंट लेके आ गया है। अब देखो, MP40 तुम पे था पोकर वाला, उसके बावजूद इन्होंने एक ब्लू कलर का एक और दे दिया जो गाइस सेम एट्रीब्यूट का है। देखो तो यही गाइस गरीना स्कैम करती है। एंड अभी एक न्यू इवेंट आ रहा है जिसकी डिमांड गाइस सच्ची बताऊं तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसमें हिप हॉप एंड सकुरा दोनों बंडल होने वाले हैं। तो तुम लोग सोच के देखो कि कितना ज्यादा टॉप अप होने वाला है। अब उसका स्पिन 60 या 30 डायमंड का नहीं होता, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गाइस देखो, ऐसा इवेंट फ्री फायर में 2 साल पहले भी आया था, जिसका एक स्पिन करने के लिए गाइस आपको 2500 डायमंड लगते थे। तो अभी आप सोचो कितना डायमंड लेगा, मान के चलो तुम लोग 3 से 3500 डायमंड एक स्पिन में लगेगा ही लगेगा। अब देखो, ये बहुत ज्यादा डायमंड होता है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, पर यार सीजन 1 और सेकंड के सामने ये यार ज्यादा डायमंड नहीं होता। अब जो लोग निकाल सकते हो उनका तो बढ़िया, बट जो लोग इतने ज्यादा डायमंड का टॉप अप नहीं कर सकते हो, वो लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां से तुम में से किसी 5 लकी विनर को मैं ये जब इवेंट आएगा फ्री में निकाल के दूंगा। तो हाँ, जाओ डिस्क्रिप्शन पे, लिंक तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो कर लो। अब देखो, दिवाली में एक और न्यू इवेंट आने वाला है क्रिमिनल का, मतलब तुम्हें येलो क्रिमिनल देखने को मिलेगा दिवाली इवेंट में एब्सोल्युटली फ्री में। अब वो कैसे मिलेगा तो ये चीज तो फ्री फायर ने अभी तक नहीं बताया है, बट जैसे दिवाली इवेंट रहता है ये भी सेम वैसे ही रहने वाला है। अब देखो, 1 साल पहले जब दिवाली आई थी तब उसमें मैजिक क्यूब फ्री में मिल रहा था, हम सबको अच्छे से ही पता है। तब गाइस आपको सिर्फ एक मैच खेलने पे मैजिक क्यूब मिल जा रहा था उस दिन। तो ऐसे ही गाइस शायद से येलो क्रिमिनल तुम लोगों को 1 या 2 मैच खेलने पे मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यार दिवाली इवेंट है, वो लोग फ्री में दे रही है, तो ज्यादा तुम लोगों को टेंशन की बात ही नहीं है। इसी के साथ गाइस, तुम लोगों को दिवाली इवेंट में कई बड़े बड़े इवेंट और देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में अभी तक फ्री फायर ने कुछ भी नहीं बताया है। बट जो दिवाली में सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है वो अल्टीमेट रिक्रूट वाला ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो उसमें फर्स्ट सेकंड एलिट पास है, जहां ये होगा वहां पे ज्यादा टॉप अप होगी। एंड जितने भी फ्री फायर के टॉप अप वाले वेबसाइट तुमको देखने को मिलेंगे वो सब उस टाइम जाम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ज्यादा टॉप अप जब होता है तो फ्री फायर का टॉप अप वाला जितना भी वेबसाइट होता है वो जाम हो जाता है। तो हां, अभी अगर टॉप अप करना है तो कर सकते हो। अब देखो, एक सबसे बड़ा चीज तुम्हें बता देता हूं अल्टीमेट रिक्रूट वाले इवेंट का, जो तुम्हें शायद बहुत ही कम लोग बताएंगे। देखो, जब ये इवेंट आएगा ना तब इसमें तुम सिर्फ एक ही स्पिन मार पाओगे। अब एक स्पिन में तुम्हारा कुछ भी निकल सकता है, सकुरा भी, हिप हॉप भी या फिर कुछ और, इसके बाद तुम एक भी स्पिन नहीं मार पाओगे। अब ये चीज टोटली तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे साथ स्कैम होगा या फिर तुम्हारे बल्ले बल्ले होने वाले। अब यार तुम लोग सोच रहे होंगे कि इवेंट कब आने वाला है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसा अभी तक कहीं पर भी नहीं है साहब कि इवेंट कब आएगा। हो सकता है दिवाली में ही आ जाए या फिर उससे पहले, कोई भी पर्टिकुलर डेट इस इवेंट का अभी तक किसी ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखो, फ्री फायर कभी भी कुछ भी कर सकती है, हो सकता है ये इवेंट को ही ना डाले, तुम्हें पहले भी पता है फ्री फायर ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीज कर चुकी है। अब देखो, अगर हम ओवरऑल देखें कि ये इवेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से ये इवेंट आएगा ही आएगा। अब देखो ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ गाइस, जो फ्री फायर है उसको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, जिसको रिकवर करने के लिए उसको काफी सारा पैसा चाहिए, तो वो पैसा हमसे ही लेगा। तो मेरे ख्याल से ये इवेंट आएगा ही आएगा। अगर ये इवेंट आ जाता है तो यार मुझे पक्का जानना है तुम में से कितने बंदे ये इवेंट निकालना चाहेंगे, और तुम में से कितने बंदों को हिप हॉप पसंद है मेरे तरह, कमेंट पे जरूर से बताना। गाइस, हिप हॉप या सकुरा कमेंट पे लिख दो जिसको जो बंडल पसंद है। तो देखो, इस वीडियो में इतना सही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और सकुरा या हिप हॉप कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट पे जल्दी से कर दो। तो बस इस वीडियो में इतना सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।